नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तेज प्रसाद टेक्निकल रिजिस्टर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन्फिनिक्स जो अपने सस्ते और बेहतरीन फीचर्स से लैस एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए काफ़ी फेमस है, भारतीय मार्केट में इन्होंने आज किया है टीज। और यह कंपनी अपना एक और न्यू लेटेस्ट और बजट रेंज सेगमेंट का एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाली है, खासकर भारतीय मार्केट में। और इसका जो नाम सामने निकल कर आया है वह इन्फिनिक्स हॉट 10i है। यह इससे पहले भारतीय मार्केट में लॉन्च इन्फिनिक्स हॉट 10 के सक्सेसर स्मार्टफोन के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन यह हॉट 10 का लो वेरिएंट स्मार्टफोन होने वाला है और यह एक बजट रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन होने वाला है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बारे में ढेर सारी जानकारियां सामने आ चुकी हैं, इसके अलावा इसके एक दो पिक्चर्स भी सामने आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम इसी इन्फिनिक्स के अपकमिंग स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 10i के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि इसके सबसे पहले हम डिजाइन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इसके बैक साइड की कोई भी ऑफिशियल पिक्चर से सामने नहीं आई है, लेकिन रूमर्स द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उस आधार पर इसके बैक साइड पर आप लोगों को 3D कलर फिनिशिंग, ट्रिपल कैमरे, LED फ्लैश की सुविधा, फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो इसकी जो पिक्चर्स सामने आई है उस आधार पर इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड पर आप लोगों को सिंगल कैमरा पंच होल डिजाइन की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। जिस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 89% का होने वाला है और स्मार्टफोन देखने में काफी हद तक इन्फिनिक्स हॉट 10 जैसा ही रहने वाला है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो अभी जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं उस आधार पर इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 6.78 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का होने वाला है। 20x9 रेशियो किसके अंदर आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसकी PPI डेंसिटी 341 निट की होने वाली है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी और एक बजट रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन के तौर पर काफी बेहतरीन डिस्प्ले इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी रहने वाली है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को मीडियाटेक का हीलियू A20 SoC प्रोसेसर उपलब्ध करवाने वाली है, जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड क्लॉक्ड है 2.0 GHz पर, जिसके साथ आप लोगों को GPU देखने को मिलने वाला है। मालिका पावर VR83 Wise 12 nanometer पर बिल्ट किया गया प्रोसेसर है, नॉर्मल यूज के लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। इसके अलावा 4G कनेक्टिविटी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से दोस्तों, यह नॉर्मल यूज के लिए तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन गेमिंग यूजर्स के लिए मेरे हिसाब से किसी मतलब का प्रोसेसर या तो कहूं यह स्मार्टफोन नहीं होने वाला है। अगर बात करते इसके OS के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देने वाली है, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। अभी जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही है उस आधार पर यह स्मार्टफोन 1 स्टोरेज रेवरेंट के साथ गूगल प्ले कंसोल पर लिस्ट हुआ है, जहां पर आप लोगों को 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अन्य स्टोरेज रेवरेंट के साथ भी यह स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर बात करते इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर आप लोगों को ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल सकता है। जो पहला और मेन सेंसर होगा वो 13 megapixel का होगा, जिसके साथ 2 megapixel के और दो सेंसर कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है LED फ्लैश के साथ। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए 8 megapixel का सिंगल कैमरा कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। जो जानकारियां रूमर्स द्वारा मुझे प्राप्त हो रही है, मैं उसी आधार पर आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं। इन कैमरों के साथ आप लोगों को AI HDR पैनोरमा स्लो मोशन जैसे अन्य ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के कैमरे के साथ होने चाहिए। मेरे हिसाब से इसका जो कैमरा सेटअप है वो काफी नॉर्मल रहने वाला है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को 5000mAh की एक बड़ी सी बैटरी कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है, जिसमें आप लोगों को 15W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को माइक्रो USB उपलब्ध करवाने वाली है। मेरे हिसाब से इसका जो बैटरी बैकअप होगा वो एक बजट रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन के तौर पर ठीक ठाक रहने वाला है। अगर बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई, GPS, FM रेडियो, 3.5mm ऑडियो जैक और ब्लूटूथ 5.0 जैसे अन्य ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर होने चाहिए। इसके साथ दोस्तों, अगर फाइनली बात करें इस इन्फिनिक्स हॉट 10i अपकमिंग स्मार्टफोन के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यह स्मार्टफोन ऑलरेडी गूगल पे कंसोल और इंडोनेशियन FCC सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट हो चुका है, जहां से इसके डिटेल्स सामने आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यह स्मार्टफोन बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है भारतीय मार्केट या ग्लोबल मार्केट में। अगर बात करते इसकी कीमत के बारे में, तो इसके जो स्पेसिफिकेशन सामने निकल कर आ रहे हैं उस आधार पर इस स्मार्टफोन की कीमत मेरे हिसाब से लगभग 8000 रुपए के आसपास होने वाली है भारतीय मार्केट में। दोस्तों, अगर इस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इसको भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, वाकई में यह एक काफी बेहतरीन, सस्ता और नॉर्मल यूज के लिए बेहतरीन स्मार्टफोन होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों के मन में क्या है विचार इस इन्फिनिक्स के अपकमिंग स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 10i के फीचर्स को लेकर, या इसकी क्या कीमत होनी चाहिए भारतीय मार्केट में? जो भी दिल में आपके विचार हों, कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।